बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुजराती समाचार ना साथे आमिर होकला तमारी सेवा में हाजिर छे। प्रसारित छे गुजराती हेडलाइंस। अमेरिका अने अफगान तालिबान ना दरमियान बे रोजा मजाकरात नो आगाज आज थी थसे। अमरीकी सरकार अहदेदार नु केवु छे के तालिबान थी मजाकरात कौमी मफादात ने मद्देनजर राखवामां आवी रह्या छे। ताहम मजाकरात नो मकसद कतई तालिबान ने तस्लीम करवो नथी। अमरीकी मीडिया अनुसार अमरीकी आला सत्ता वफद ने तालिबान दरमियान बे रोजा मजाकरात आज थी कतर में शुरू थी रहा है। अमरीकी वफद में महकमा खारजा खुफिया एजेंसी और यूएसएड ना एहलकार शामिल थे। अफगानिस्तान की इनखला बाद अमरीका पहली दौन तालिबान थी मजाकरात करवा जा रही है। मजाकरात में तालिबान थी अगवा शुदा अमरीकी शहरी मार्क फ्रेशनर की रिहाई मुतालबो कर अफगानिस्तान थी अमरीकी शहरियों महफूज इनखला मुतालबात भी शामिल है। मजाकरात में तालिबान थी अफगानिस्तान में इंसानी हकूक ना मामला पर भी बात करवामां आवशे। जारे के अलकायदा दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुहों पर जमीन तंग करवानी बात थसे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट ना अनुसार अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जलमे खलील जाद अमरीकी वफद नो हिस्सो न थी। वफद में महकमे खारजा ना नायब खसूसी नुमाइंदा टॉम वेस्ट और यूएस एड इंसानी हकूक ना एहलकार सारा चार्ल्स भी शामिल थसे। अमरीकी हुकूमती अहदेदारान नु केवु छे के तालिबान थी मजाकरात ना जरिए राबतों ना सिलसिला ने आगन वधावु छे। मजाकरात कौमी मफादात ने मद्देनजर राखीने करवामां आवी रह्या छे। ताहम मजाकरात नो मकसद कतई तालिबान ने तस्लीम करवुं नथी। हुकूमती अहदेदारान नु मजीद केवु छे के तालिबान थी इंसानी हकूक और खवातीन ना मामला पर तफसीली बात करवामां आवशे। तालिबान ने पोताना रवैया थी दुनिया की हिमायत हासिल करवी हसे। सऊदी अरब में जुम्मा ना रोज भी सोना ना निरखों में कमी नो रुझान रहो। आलमी सतह पर कीमती धातों की कीमतों में थवावाड़ी कमी ना असरात ममलिकत पर मुरतब थिया। सऊदी जराय अब्लाग ना अनुसार ममलिकत ना मुख्तलिफ रीजन्स में सोना की खरीदारी में कमी जोवामां आवी। जुम्मा 8 अक्टूबरे 24 केराट वाला सोना की फी ग्राम कीमत 211.79 रियाल रही। गोल्ड मार्केट्स में 21 केराट वाला सोना की मांग हमेशा वधार रहे। आ हवाला थी भी 21 केराट वाला 1 ग्राम सोना ना निर्ख 185.32 रियाल रही। 18 केराट वाला 1 ग्राम सोना की कीमत 158.85 रियाल जारे के 14 केराट ना 1 ग्राम सोना ना निर्ख 123.55 रियाल छे। ममलिकत में सोना की मार्केट में 1 औंस सोना की कीमत 6587 रियाल छे। फ्लोर मिल्स मालका ने मुतालबात की मंजूरी माटे सरकार ने सोमवार तक नो अल्टिमेटम आप्यो छे। ए खबर ना अनुसार चेयरमैन ताहिर हनीफ ने गंदम की इजराई पॉलिसी पर शदीद तनकीद करतो मिल्स मालकान ने सरबरा की हैसियत थी बयान जारी करू छे। एमनु कहेवू हतु के गंदम नो कोटो जारी ना थवानी वजह थी आटा नो बहरान पैदा थयो छे। सरकार दीगर इजादी 25% गंदम नो कोटो उठावानी शर्त ने खत्म करे। एमने कीधु के गंदम नी मतलूबा मिकदार फराम करवामां नथी आवी रही। अगर सरकारे सोमवार तक मुकम्मल कोटो जारी ना कर्यो तो मंगल थी हड़ताल करशू। एक हफ्ता ना दौरान आटा ना 20 किलो थैला नी कीमत पर 23 रुपया थी वधारे इजाफो थयो छे। एमने कीधु के गंदम ना कोटा समेत दीगर मुतालबात ना हवाला थी सरकार ने आगाह करी चुक्या छे। फ्लोर मिल सरकारी कोटा थी ना गंदम उठावशे ना ही कोई मोयदो करशे। एमनु कहेवू हतु के सरकार 20 किलो आटा ना थैला ना निरखो नो असर नो जायजो ले अने वापस कीमतो नो तायुन करे। बिलियन मार्केट में एक बार फरी सोना की कीमत में इजाफा ना बावजूद पाकिस्तान में कीमतों कम थई गयो छे। ये खबर ने अनुसार कारोबारी हफ्ता ना पांचवा यानी जुम्मा ना रोज इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फरी सरमायाकारों ने सोना की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करी है जेनी वजह थी कीमतों में इजाफो थयो। इंटरनेशनल मार्केट में सोना की कीमत $60 इजाफा ना बाद $1762 फी औंस तक पहुंची गई है। हैरानकुन तौर पर आलमी मार्केट में थवा वाला इजाफा ना बावजूद पाकिस्तान में सोना की कीमतों में कमी थी है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ना चेयरमैन मोहम्मद अरशद ना अनुसार आज बतारीख 8 अक्टूबर 2021 बरोज जुम्मा मकामी सराफा बाजारों में सोना की कीमतों में मजमूई तौर पर 463 रुपया की कमी थी है। आज की तारीख ना हिसाब थी रेट की फी तोला कीमत 115,300 रुपया है। 10 ग्राम की कीमत 98,851 रुपया है। फी तोला सोना की कीमत 250 कमी ना बाद 115,300 और 10 ग्राम की कीमत 213 रुपया कमी ना बाद 98,851 रुपया तक पहुंची गई है। मौशी माहिरीन अनुसार रुपया की कदर में इजाफो और डॉलर की कीमत में कमी की वजह थी पाकिस्तान में सोना की कीमतों में कमी थी है। सिटी कोर्ट मालखाना थी 2000 किलोग्राम छालिया गायब थवानो इंकशाफ थयो छे। मुलजिमाना वकीले छालिया की इंस्पेक्शन की दरखास्त आपी थी जेन पर अदालते कोर्ट स्टाफ नाजिर मुकर्रर कर्यो हतो। बरामद थवावाड़ी छालिया की तफसीलात बारा में अदालत ने आगाह करवामां आवे।
નાઝીરે પોતાની રિપોર્ટ અદાલતને પેશ કરતો બતાવ્યું છે કે છાલિયાની જગા ભૂસો મેળવેલો છે. અદાલતે માલખાનાથી છાલિયા ગાયબ થવા પર SHO લાંડી અહેમદ ખાન ન્યાઝીના ખિલાફ મુકદમો દર્જ કરવાનો હુકમ આપતો કીધું છે કે SIO લાંડી અબ્દુલ ખાલિક અને ઇન્ચાર્જ માલખાના શર્કીના ખિલાફ બી મુકદમા દર્જ કરવામાં આવે. જ્યુડિશિયલ મજિસ્ટ્રેટ શર્કીએ પોલીસ અહેલકારોના ખિલાફ મહેકમાએ જાતિ ઇન્કવાયરીની હિદાયત બી કરી છે. પાકિસ્તાનમાં ઝિયાબતીઝના મર્ઝમાં મુસલસલ ઇજાફો થઈ રહ્યો છે. બેન અલકવામી ઝિયાબતીઝ ફેડરેશને ઇન્કશાફ કર્યો છે કે પાકિસ્તાન ઝિયાબતીઝના મરીઝોની તાદાદના હવાલાથી દુનિયામાં ત્રીજા નંબર પર પહોંચી ગયો છે. દેશમાં મર્ઝમાં મુબતલા મરીઝોની તાદાદ 10,30,00,000થી વધારે થઈ ચૂકી છે. 2019થી અબ્યાલ તક 2 વર્ષના દોરાન પાકિસ્તાનમાં ઝિયાબતીઝના મરીઝોમાં 1,40,00,000 માણસોનો ઇજાફો જોવામાં આવ્યો છે. ઝિયાબતીઝના મર્ઝમાં ઇજાફાની મોટી વજૂઆતમાં લોકોનો જિસ્માની મુશક્કત જેવી સરગરમીઓથી દૂર રહેવું સામેલ છે. આવતા હમણાં તકના સમાચાર. મઝીદ સમાચાર સાંભળવા માટે જોતા રહેજો ગુજરાતી ન્યૂઝ.